स्क्रीविंग, ठीक है। तो एक गांव था, उस गांव में एक किसान रहता था। किसान ने खेती चालू की। हाँ, बहुत गरीब था। उसके दो बच्चे थे। दो बच्चे थे। चावल होने चाहिए। आगे बोलो। सारी फसल खराब हो गई। किसान बहुत निराश हुआ। गांव के मुखिया से मदद मांगा, लेकिन उसकी कोई मदद नहीं की। मुखिया ने मदद नहीं की, ठीक है। मुखिया ने मदद नहीं की, उसको भगवान पे ज्यादा भरोसा था किसान को, ठीक है। वो उसको ईश्वर पे विश्वास था। तो उसने सोचा कि वो ईश्वर को एक लेटर, एक पत्र लिखे, उसे उसको उसकी फसल खराब हो गई, उसके लिए उसको मदद चाहिए। मदद चाहिए। एक सेकंड। हाँ, फिर से बोल। वो अपने लेटर डाकघर जाके पोस्ट करता, ठीक है। पोस्टमैन जो होते हैं, इस लेटर में लिखा होता है 1 लाख रुपए चाहिए, मतलब पोस्टमैन भी सारे होते हैं, वो सारे ऐड करके पैसे उसको भेजते हैं। अच्छा, ठीक है। और उसमें वो लेटर पढ़ता है, ठीक है, वो लेटर पढ़ता है। किसान बीवी उसे समझाती है कि भूख से कोई नहीं मरेगा, भूख से कोई नहीं मरेगा, उसकी वाइफ उसको समझाती है, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। पोस्टमैन वो लेटर पाता है और हंसने लगता है, ठीक है। पोस्टमैन ने जितने पैसे मांगे होते हैं उतने नहीं मिले, ठीक। जितने पैसे कलेक्ट होते हैं उतने ही दे देते हैं किसान पोस्टमैन, ठीक है। अच्छा, चुरा लिया। जब उसके बाद पोस्टमैन से दोबारा लेटर लिखता है भगवान को कि जो आपने पैसे भेजे थे वो। अच्छा, किसान इस लेटर में लिखता है, भगवान ईश्वर को लिखता है कि इस बार पैसे डाक द्वारा ना भेजे जाएं। अच्छा, फिर से पैसे। अच्छा, यस सर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो गॉड से प्रे करता है कि उसकी फसल अच्छी हो जाए, ठीक है। तो बेटा फिर से सर, फिर बोलो। चलो तुम बोलो, तुम बोलो। सर, पिछली बार तो फसल खराब हो गई थी, लेकिन अगली बार क्या हुआ कि धूप अच्छी हुई और बाय फसल काफी अच्छी हुई और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगा। सर, रहने लगा खत्म।